लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने नागालैंड जीत का जश्न आज लोक जनशक्ति पार्टी ऑफिस में मनाया गया है। इस मौके पर रफीक मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नागालैंड के बाद भी जम्मू कश्मीर में लोक जनशक्ति पार्टी आने वाले असेंबली के इंतखाबात में जीत हासिल करेंगे। रफीक मलिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तमाम असली के इंतखाबात की नशिस्तों पर इंतखाबात हमारी पार्टी लड़ेगी। उन्होंने मजीद कहा है कि 14 मार्च को चिराग पासवान की मौजूदगी में दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर से भी हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग इस मीटिंग में शामिल होंगे और जम्मू कश्मीर के मसाइल चिराग पासवान के सामने रख देंगे। लेकिन जैसे चिराग साहब देखा कि आज पूरे हिंदुस्तान में नाम बनाया उन्होंने अपना और अपने पिताजी का रामविलास पासवान जी का नाम बनाया कि जो उनका बेटा थे वो साबित कर दिया उन्होंने कि बहुत अच्छी वोटों से उन्हें जो सीटें वहाँ निकाली और आने वाला टाइम जो है जम्मू कश्मीर में भी हमारी सीटें जो निकलेगी और आज खुशी का टाइम है। हम अपने वर्करों के बीच में बैठ के सब जो खुशी मिल जो के खुशी बनाएंगे। आज पार्टी की तरफ से जो जीत हुई हमारी पार्टी की, आज चिराग साहब ने बहुत बड़ा काम कर लिया, जो हिंदुस्तान में नाम बना दिया हमारी पार्टी की पार्टी का और हम भी कोशिश यही करेंगे जम्मू कश्मीर के जो हमारे लीडर हैं सब ये ऐसा ही करेंगे कि पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, फुल सीटों पर इलेक्शन लड़ने की बात करेंगे, पूरी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे मेहनत मार रहे हैं हमारे लोग लीडर, देखा आपने तकरीबन गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पहुँच रहे हैं, गरीब लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, गरीब लोगों के मुद्दे लेके आगे जा रहे हैं और 13 को हमारा जो बहुत बड़ा जहाँ से निकल रहे हैं जम्मू कश्मीर से हम लोग वहाँ 14 को बहुत बड़ी नेशनल लेवल की मीटिंग चिराग साहब ने रखी हुई है दिल्ली में, उसमें भी हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे भी बात करेंगे, कुछ गवर्नमेंट की बात करेंगे, जो यहाँ पे बेरोजगारी यहाँ बहुत बढ़ चुकी है, जैसे हमारी स्टेट टूट चुकी है, जो हम चाहते हैं कि इलेक्शन करवाएँ जम्मू कश्मीर में, जल्द से जल्द इलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन से पहले हमें हमारी स्टेट वापस मिलनी चाहिए। ये हमारी अपील करते हैं हम मोदी साहब से भी, जैसे हमारी जम्मू कश्मीर की आपने स्टेट छीनी थी वैसे स्टेट हमें वापस दी जाए, कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो हालात जो दिन दिन आपने देखा कैसे बिगड़ रहे हैं, आपने देखा कि पिछले दिनों हमारे जो हमारे दीपक जी पे कुछ लोगों ने हमला किया, जहाँ पे सिक्योरिटी की बात की थी, हमने लेटर भी जहाँ एडीजी साहब को दी थी तो हमारी पार्टी की सिक्योरिटी भी जरूरत है, हमें काफ़ी दिक्कत भी परेशानी हमें लेनी पड़ रही है, तो इसी मसले में हम 13 को जो यहाँ से निकल रहे हैं, 14 को बहुत बड़ी मीटिंग है वहाँ पर चिराग साहब से बात करेंगे। बाकी मुबारकबाद पेश करते हैं और अपनी तरफ से मीडिया को मुबारकबाद पेश करते हैं सबको कि जो आज हमारी पार्टी ने जो बहुत बड़ी जीत हासिल की है और जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी ऐसी जीत करेगी,